नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में, तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए। ये वैकेंसी निकली है जिला स्वास्थ्य समिति पूर्व सिंहभूमि जमशेदपुर के द्वारा, जो यहाँ पर संविदा आधार पर होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। लास्ट डेट इसकी रहेगी 4/1/2023 को। अब पोस्टों की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पोस्टों का कैटेगरी वाइज जो डिवीज़न है वो आप देख सकते हैं। हम केवल टोटल पोस्टों की यहाँ पर बात करने वाले हैं और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले ANM की टोटल 120 पोस्टें हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टाफ नर्स की 49 पोस्टें हैं, GNM की CHC NCT क्लिनिक के अंदर 3 पोस्टें हैं, ब्लॉक डाटा मैनेजर की 9 पोस्टें हैं, न्यूट्रिशन से जो काउंसलर होता है 3 पोस्टें हैं, फार्मासिस्ट की 14 पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स DEIC की 1 पोस्ट है, डेंटल टेक्नीशियन DEIC की 1 पोस्ट है यहाँ पर, सोशल वर्कर की भी 1 पोस्ट है, काउंसलर डिस्ट्रिक्ट NCT क्लिनिक की 1 पोस्ट है, ऑप्टोमिक असिस्टेंट की 1 पोस्ट है और साइक्ट्रिक सोशल वर्किंग की 1 पोस्ट है। ये इनकी टोटल पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज इनका डिवीजन है वो आप इसकी PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो ANM के लिए कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में ANM का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और आपका झारखंड नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पर मंथ जो पेमेंट है वो 11,500 रुपये मिलने वाली है। स्टाफ नर्स की बात करें तो 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में 3 साल का GNM कोर्स किया होना चाहिए, साथ में झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। पर मंथ जो पेमेंट है वो 16,564 रुपये मिलने वाली है। उसके बाद GNM CHC NCT क्लिनिक की बात करें तो इसमें भी वही सेम रहने वाला है, सब 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग के अंदर और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल के अंदर। पर मंथ जो पेमेंट है वो 18,900 रुपये मिलने वाली है। ब्लॉक डाटा मैनेजर की देख सकते हैं, डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए और एक साथ में कंप्यूटर का या पोस्ट जो कंप्यूटर का कोर्स होता है, ओ लेवल हो गया, DOE ACC लेवल हो गया, ITI या ITDR जो भी कोर्स होता है वो क्या होना चाहिए। यदि आपने कंप्यूटर साइंस से BSc कर रखी है या फिर आपने BSc IT से कर रखी है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 15,000 रुपये पर मंथ पेमेंट रहने वाली है। न्यूट्रिशंस काउंसलर की बात करें तो आपके पास मास्टर या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पास हो सकते हैं, हॉनर्स भी हो सकती है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए न्यूट्रिशंस के अंदर, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए और डाटा मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए बढ़िया। और ये डिजायरेबल, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो चलेगा और नहीं है तो भी काम चलेगा। 15,000 रुपये पर मंथ पेमेंट रहने वाली है। फार्मासिस्ट की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, साथ में स्टेट झारखंड जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए, साथ में आपको MS ऑफिस और इंटरनेट की समझ होनी चाहिए। 12,000 रुपये पर मंथ पेमेंट रहने वाली है। स्टाफ नर्स DEIC की सेम वही रहने वाली है, 12वीं पास होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, साथ में झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 16,564 रुपये पर मंथ पेमेंट रहने वाली है। डेंटल टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए आपके पास डेंटल टेक्नोलॉजी मैकेनिक से का जो भी डिप्लोमा होता है वो किया होना चाहिए, साथ में आपका डेंटल स्टेट डेंटल काउंसिल उसमें रजिस्टर होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर मंथ जो पेमेंट है वो 15,000 रुपये रहने वाली है। सोशल वर्कर के लिए आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी के अंदर या सोशल वर्क के अंदर, 2 साल का आपके पास क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18,000 रुपये पर मंथ पेमेंट रहने वाली है। काउंसलर की बात करें तो इसके लिए आपके पास सोशल साइंस के अंदर या फिर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए या मास कम्युनिकेशन के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10,500 रुपये पर मंथ पेमेंट रहने वाली है। ऑप्टोमिक असिस्टेंट की बात करें तो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पर मंथ जो पेमेंट है वो 13,230 रुपये मिलने वाली है। उसके बाद साइक्ट्रिक सोशल वर्कर की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास 2 साल का मेंटल हेल्थ और साइक्ट्रिक सोशल वर्क का जो एक डिप्लोमा होता है वो किया होना चाहिए। पर मंथ जो पेमेंट है वो 29,524 रुपये मिलने वाली है। यह आप देख सकते हैं। अब उम्र सीमा की बात करें तो जो न्यूनतम है वो 21 साल होनी चाहिए और जो अधिकतम है वो जो इनकी देख रखें यहाँ जनरल के लिए यहाँ पर 35 है, यदि जनरल दिव्यांग है तो 45 वर्ष होगी, OBC और बैकवर्ड क्लास के लिए
37 वर्ष अधिकतम आयु हो सकती है यहाँ पर, और विकलांग है तो 47 वर्ष तक। फीमेल जनरल ओबीसी बीसी किसी की भी 38 साल अधिकतम एज, और यदि विकलांग है तो 48 साल तक। एससी एसटी की 40 वर्ष और विकलांग है तो 50 वर्ष तक यहाँ पर अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया यहाँ पर रोस्टर के अनुसार की जाएगी। रिटन टेस्ट भी हो सकता है जिसमें स्किल टेस्ट साक्षात्कार भी हो सकता है या सभी एक साथ हो सकते हैं, ये देख रहे। अब क्वालिफिकेशन मार्क या मार्क स्कीम देख सकते हैं या आप चेक कर सकते हैं, इसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की और फॉर्म वो कहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चयन की कुछ शर्तें भी देखें, वो भी देख लेना, लेकिन आवेदन की बात करते हैं। तो आवेदन आपको 4/1/2023 को शाम को 5 बजे तक असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय खास महल पूर्वी सिंहभूमि जमशेदपुर, यह इस पर भेज देना है। यानी ये एड्रेस रहेगा फॉर्म भेजने का। जब भी फॉर्म भेजते हो तो उसके ऊपर विज्ञापन संख्या और पद का नाम जरूर लिखना होगा। आवेदन पत्र के साथ आपकी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, ये दे रखें आगे उनके आधार पर होना चाहिए कि, और इनकी सब प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति होनी चाहिए। स्वयं पत्राचार लिखित लिफाफे में 32 रुपये का डाक टिकट संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन का अस्वीकृति कर दी जाएगी। 32 रुपये का डाक टिकट भी आपको भेजना पड़ेगा साथ में। अभी इसका फॉर्म है, ये फॉर्म आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। ये आगे इनके जो भी दे रखे हैं आवास प्रमाण पत्र, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, वो सारे यहाँ से डाउनलोड करके बनवा सकते हैं इसके अनुसार। तो ये सभी भी आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया पोस्टें हैं यहाँ पर, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।